आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस सीरीज का पार्ट फाइव इससे पहले हम जो है पार्ट वन से लेके पार्ट फोर तक कंप्लीट कर चुके हैं तो जिसको पार्ट वन से लेके पार्ट फोर तक देखना होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप वहाँ से देख सकते हैं या आप जनरल अवेयरनेस सीरीज की प्ले में जाकर भी देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन से इससे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर वन तक के कवर कर चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं इन केस ऑफ अ डेड लॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द्वाइंट सेशन इज प्रिसाइडेड ओवर बाय तो इसका इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी स्पीकर ऑफ लोकसभा क्वेश्चन नंबर 152 फिफ्टी टू ब्लड प्रेशर ऑफ अ यंग मेल ह्यूमन बींग इज तो इसका हमारा इसमें करेक्ट आंसर है बी क्वेश्चन नंबर 153 फिफ्टी थ्री हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन तेलुगु इज स्पोकन इन तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए आंध्र प्रदेश क्वेश्चन नंबर 154 फिफ्टी फोर दी ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन क्वेश्चन नंबर 156 फिफ्टी सिक्स फुल फॉर्म बतानी है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट तो 156 का जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए क्वेश्चन नंबर 157 उस्ताद बिसमिल्ला खान वाज एसोसिएटेड विथ तो इसका करेक्ट आंसर है डी सेनाई क्वेश्चन नंबर 158 बुकर प्राइस इज एसोसिएटेड विथ तो इसका करेक्ट आंसर है ए लिटरेचर क्वेश्चन नंबर 159 किताबुल हिंद इज रिटर्न बाय तो इसका हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी क्वेश्चन नंबर 160 सिक्सटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद दी वेलफेयर ऑफ दी चिल्ड्रन थ्रू आउट दी वर्ल्ड तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी यूनिसेफ क्वेश्चन नंबर 161 161 का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी विटामिन के क्वेश्चन नंबर 162 सिक्सटी टू द एच वन एन वन इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो नोन एज तो इसका करेक्ट आंसर है ए स्वाइन फ्लू डायलिसिस इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ तो इसका हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए किडनी फेलियर क्वेश्चन नंबर 164 हु वाज़ द फर्स्ट इंडियन वोमन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट तो इसका जो हमारा 164 का करेक्ट आंसर है वो है ए क्वेश्चन नंबर 165 सिक्सटी फाइव ग्रामी अवार्ड्स आर गिवन फोर तो इसका भी करेक्ट आंसर है हमारा ए म्यूजिक क्वेश्चन नंबर 166 सिक्सटी सिक्स विच ऑफ़ द स्टेट legislative assemblies हैज टू houses? तो वन सिक्सटी सिक्स का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है सी कर्नाटका क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी सेवन माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ वॉज रिटर्न बाय तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी महात्मा गांधी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज अ तो इसका करेक्ट आंसर क्या है न्यूज एजेंसी क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी नाइन डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन तो 169 का करेक्ट आंसर हुआ हमारा बी ह्यूमन पॉपुलेशन विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट उस्ताद अमजद अली खान प्ले तो 170 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी क्वेश्चन नंबर 171 सेवनटी वन द फेमस बुद्धिस्ट स्टूपा एट सांची इज इन तो 171 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी मध्य प्रदेश जलियावाला बाग वन सेवेंटी टू का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी नाइनटीन नाइनटीन द प्ले तुगलक तो इसका करेक्ट आंसर क्या है गिरीश करनाथ जी क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर वन सेवनटी फोर वट इज़ द रैंक ऑफ द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तो इसका करेक्ट आंसर है वन फोर का हमारा डी कमांडर क्वेश्चन नंबर वन सेवनटी फाइव अगरतला इज इन स्टेट ऑफ तो वन फाइव का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है सी त्रिपुरा क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी सिक्स द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट विच टेम्परेचर तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी फोर डिग्री इसका वैसे एग्जैक्टली exactly, अगर हम बात करें आंसर की तो आंसर एग्जैक्टली exactly होता है थ्री पॉइंट नाइन एट क्वेश्चन नंबर वन सेवनटी सेवन विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज इन दी हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स तो इसका करेक्ट आंसर है बी कॉन्केव मिरर. क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी एट द जीरो आर इन दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट एट इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी नाइन आर टी जी एस स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट तो वन सेवेंटी नाइन का हमारा करेक्ट आंसर क्या है बी और एक एन ई एफ टी भी होता है उसकी भी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एन ई एफ टी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्वेश्चन नंबर वन एटी वट डज द एब्रीवेशन डी एन ए स्टैंड फोर तो वन एट्टी का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए क्वेश्चन नंबर वन एटी वन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू दिटिजनशिप तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए पार्ट सेकेंड द फर्स्ट बुक रिटर्न बाय मोहनदास करमचंद गांधी इज टाइटल तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ क्वेश्चन नंबर वन एटी थ्री अलाई दरवाज़ा बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी इज़ अ गेट वे लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ तो इसका हमारा इसमें करेक्ट आंसर है बी क्वेश्चन नंबर वन एटी फोर हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए क्वेश्चन नंबर वन एटी फाइव विच रिवर ऑफ द साउथ इज़ नोन एज दक्षिण गंगा तो वन एटी फाइव का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए गोदावरी क्वेश्चन नंबर वन एटी सिक्स मलेरिया इज कॉज बाय तो वन एटी सिक्स का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी प्लाज्मोडियम क्वेश्चन नंबर वन एटी सेवन चूज द वन विच कैन बी सब्सिट्यूटेड फॉर दी गिवन वर्ड वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस तो वन एटी सेवन का हमारा इसमें करेक्ट आंसर है सी क्वेश्चन नंबर वन एटी एट अ प्लेस इन एनवायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज. तो इसका हमारा वन एटी एट का करेक्ट आंसर है सी हैबिटेट. क्वेश्चन नंबर वन एटी नाइन द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैरीज इज तो वन एटी नाइन का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वह सी अमेज़न. क्वेश्चन नंबर वन नाइन्टी दी ट्रिटी ऑफ वर्सेलिस वॉज साइन इन तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी नाइनटीन नाइनटीन क्वेश्चन नंबर 191 वन दिस पर्सनैलिटी इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ ई मेल कैन यू आइडेंटिफाई हिम फ्रॉम द गिवन तो 191 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी क्वेश्चन नंबर 192 व्हाट टू वट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी थर्टी फाइव ईयर्स क्वेश्चन नंबर वन नाइन्टी थ्री विच ऑफ़ द फॉलोविंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी आर्टिकल थ्री सिक्सटी क्वेश्चन नंबर वन नाइनटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्लूजन ऑफ कॉन्कनी मनीपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज इन द एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो वन नाइन्टी फोर का इसमें हमारा करेक्ट आंसर है सी सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट ठीक है लैंग्वेज हमारी कौन से शेड्यूल में दी हुई है एथ शेड्यूल में और कितनी लैंग्वेज दी हुई है ट्वेंटी टू लैंग्वेज ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर वन नाइन्टी फाइव विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप द बुक ऑन वेदर इंफॉर्मेशन पोर्टल फॉर इंडियन पावर सिस्टम तो इसका हमारा इसमें करेक्ट आंसर है बी पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ठीक है ये था हमारा 195 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 196 नाइन सिक्स विच इज द मोस्ट एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया तो इसका करेक्ट आंसर है ए फा क्वेश्चन नंबर 197 पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल ऑफ द अबव तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर वन नाइनटी एट विच इज द ब्राइटेस्ट प्लान इन द यूनिवर्स तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी वीनस क्वेश्चन नंबर वन नाइन स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम तो वन नाइन का इसमें हमारा करेक्ट आंसर है बी क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च ऑन तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन ठीक है ये था हमारा जर्नल अवेयरनेस सीरीज का पार्ट फाइव ठीक है